एक और आम खबर दें आपको, डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस, सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमा दानिया की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिमा दानिया को जेल से रिहा करने का हुक्म। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले जस्टिस उमर चहल की सरबराही में सिंगल रुकनी बेंच ने जो है दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। आज अदालत ने फैसला सुनाया और दानिया को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि 2 लाख रुपए के मचल के जो है मुलजमा की तरफ से जमा कराए जाएंगे और जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि ट्रायल कोर्ट में मुकदमा जेर समात है और मुलजमा जो है ट्रायल का सामना करेंगी, और अदालत ने ट्रायल कोर्ट को कहा है कि जो मुकदमा के शवाहद और सबूत हैं वो जल्द जो समात की जाए और उसके बाद फिर केस का फैसला सुनाया जाए। मुलजमा को लोधरा से गिरफ्तार करके जो है नाजिबा वीडियो वायरल करने के मुकदमे में FIA ने जो है गिरफ्तार किया, तो उसके बाद 2 बार इसकी पहले जो जमानत मुस्तद हुई थी, आज सिंध हाई कोर्ट ने जो 2 लाख रुपए के मचलकों के बाद जमानत मंजूर कर ली है। शाहिद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।